हेलो एवरीवन वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस आई एम ज्योति बुधवार टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज डेटा बेस्टिंग तो जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स की डिमांड के बेसिस पे इस टॉपिक को कराया जा रहा है ये टॉपिक अभी हमारा रहता था डेटा बेस क्वारी यूजिंग एसक्यूएल हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ चुके हैं डेटा बेस पढ़ चुके हैं एसक्यूएल की बहुत सारी क्वारीज पढ़ चुके हैं लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक अगर हम बात करें अपने एच पी एस सी पी जी टी स्क्रीनिंग कोर्स की एच पी एस सी पीजीटी स्क्रीनिंग जो हमारा एग्जाम होगा अब जो है जल्दी ही आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा तो अभी के लिए आपको अपना जो एचपीएससी ने जो सबसे पहले पेपर पैटर्न दिया था उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपेशन रखनी है और उसके अंदर जो आपकी लास्ट यूनिट है उसमें जो आपकी लास्ट यूनिट है उसमें ये वाला टॉपिक दिया गया है डेटा बेस क्वारी यूजिंग एस तो आज हम उन सभी फंक्शन को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं उसमें बेसिकली तीन चार फंक्शन दिए गए हैं उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे उसके साथ ही अगर ये क्लास पसंद आती है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद फ्रेंड और जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है यू जी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस ठीक है और एच पी स्क्रीनिंग कंप्यूटर साइंस का भी फुल पेड कोर्स जो है वो भी हमारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है तो जो भी स्टूडेंट फुल पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो एप्लीकेशन से रजिस्टर तो को रिगार्डिंग कोई भी क्वारी है देन आप गए फोन पर कॉल करके पता कर सकते है नाइन फोर सिक्स डबल सेवन ट्रिपल फोर डबल सिक्स ठीक है नाइन फोर सिक्स डबल सेवन ट्रिपल फोर डबल सिक्स चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम देखने वाले हैं किन किन टॉपिक्स को हम करने वाले हैं ठीक है होप सो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है तो डेटा बेस आपने ये मैंने सिलेबस से ही एक स्क्रीनशॉट लिया है तो आप देख सकते हैं ये वाला सिलेबस जो है हमारा अभी बचा हुआ था जिसमें हमने एग्रीगेट फंक्शन तो पढ़ रखा था ग्रुप बाय कर रखा है हैविंग कर रखा है लेकिन कोई बात नहीं एक बार पूरा एक फ्लो के अंदर हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहला हमारे पास है मैथ फंक्शन देन टेक्स्ट फंक्शन एंड देन डेट फंक्शन एंड देन एग्रीगेट फंक्शन तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये चार फंक्शन दिए गए हैं चार फंक्शन क्या हैं किस तरीके से यूज होते हैं इन फंक्शन के अंदर आप फर्दर कौन कौन से फंक्शंस पढ़ते हैं तो इन सभी को आ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी फंक्शन के अंदर जो सब फंक्शंस आपके हैं लाइक मैथ फंक्शन के अंदर आप क्या-क्या स्टडी -क्या करते हैं पावर फंक्शन पढ़ते हैं राउंड फंक्शन मोड फंक्शन सेम टेक्स्ट फंक्शन के अंदर यू केस अपर एल केस लोअर मिड सबस्ट्रिंग एस सब एसटीआर लेंथ लेफ्ट राइट इन इन एसटीआर एल स्ट्रीम आर स्ट्रीम और ट्रीम और डेट फंक्शन के अंदर नाउ डेट मंथ मंथ नेम ईयर डे डे नेम सेम एज एग्रीगेट फंक्शन टोटल हमारे पास पांच फंक्शन होते हैं मैक्स एवरेज सम काउंट और काउंट को आप काउंट स्टार के साथ भी यूज कर सकते हैं काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लेंगे साथ में क्वॉरिंग एंड मैन्युपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय हैविंग और ऑर्डर बाय किस तरीके से आप अपनी क्वारिज को मैन्युपुलेट कर सकते हैं कि आप अपना जो डेटा चाहते हैं जो आपने क्वारी लिखी है और उस क्वारी के अकॉर्डिंग जो आपकी टेबल बनी है उस टेबल की हेल्प से आप किस तरीके से उनको मैनिकुलेट कर सकते हैं कैसे आप ग्रुप बना सकते हैं कहाँ पे आप हैविंग क्लोज का यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लोज से क्या होगा तो ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने मैथ फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं मैथ फंक्शन जैसा कि हमारा न्यूमेरिक फंक्शन है तो मैथ फंक्शन से स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ ये जो फंक्शन है हमारे पास जब भी हम एस पढ़ते हैं तो एस के अंदर हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं ठीक है एस होता क्या है अगर एस नहीं पढ़ा है तो भाई प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लें हमने एस को बहुत क्लियरली डिस्कस किया हुआ है एस बेसिकली क्या है स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वारी SQL क्या है बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर्ड ठीक है तो अब SQL के अंदर जो हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम बेसिकली अलग अलग फंक्शन पढ़ते हैं ठीक है अब वो फंक्शन क्या क्या हैं बेसिकली हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं माई एस्ल के अंदर माई एसक्ल के अंदर हमारे जो फंक्शन हैं वो दो टाइप के फंक्शन हैं एक है आपका सिंगल रो फंक्शन सिंगल रो फंक्शन एंड सेकंड है आपका मल्टीपल रो फंक्शन मल्टीपल रो फंक्शन जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है मतलब अगर हम बात करें सिंगल रो फंक्शन की तो ये बेसिकली सिंगल वैल्यू पे ऑपरेट होते हैं और साथ में आपको सिंगल वैल्यू ही आउटपुट पे एज अ रिटर्न करके देते हैं सेम एज मल्टीपल रो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीपल वैल्यूज पे ऑपरेट होते हैं लेकिन आपको एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑफ द आपका रिटर्न वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपको सिंगल वैल्यू मिलती है। बात तो इसको थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं हम वट इज सिंगल रो फंक्शन सिंगल रो फंक्शन बेसिकली ऑपरेट ऑन सिंगल वैल्यू ऑपरेट ऑन सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू पे ही ऑपरेट होता है और सिंगल वैल्यू ही हमें रिटर्न करके देता है समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं की एग्जाम्पल दूंगी उसके बेसिस पे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा ठीक है चलिए अगर मैं बात करूं मल्टीपल रो फंक्शन की तो मल्टीपल रो फंक्शन जैसा मैंने अभी आपको बताया इट बेसिकली ऑपरेट ऑन मल्टीपल वैल्यूज एक सेकेंड मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू अब इसके अंदर हम जैसा इसका नाम है हम मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं और आउटपुट पे क्या मिल रहा है सिंगल वैल्यू इसमें हम सिंगल ही वैल्यू दे रहे हैं और सिंगल ही हमें आउटपुट पे वैल्यू मिल रही है ठीक है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज हमारी कोई एक टेबल है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज हमारी कोई एक टेबल है ठीक है टेबल के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज हैं सपोज नेम और मार्क्स सपोज नेम ए के नंबर आए ट्वेंटी बी के नंबर आए सेवेंटी ठीक है हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं इनका स्क्वेयर रूट करना हम क्या चाहते हैं स्क्वेर रूट करना किसका मार्क्स का तो हमें आउटपुट पे जो आपको मिलेगा आउटपुट भी आपको एज ए टेबल मिलेगी उसमें मार्क्स का क्या होगा स्क्र रूट रहेगा मार्क्स का क्या हो जाएगा आपका स्क्यर रूट हो जाएगा ये जो स्क्र रूट अप्लाई होगा ये इंडिविजुअली हर एक रो पे अप्लाई होने वाला है ठीक है यानी कि यहाँ पे आपको ट्वेंटी का स्क्वेयर रूट मिलने वाला है ट्वेंटी का स्क्र रूट मिलने वाला है ठीक है यहाँ पे आपको सेवनटीन का स्क्वेयर रूट मिलने वाला है यहाँ पे आपको सेवनटीन का स्क्वेयर रूट मिलने वाला है ठीक है तो इस तरीके से आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो आपको रो वाइज मिलेंगी जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो रो वाइज मिलेंगी और वहीं पे अगर हमें यहां पे करना होता स्क्वेयर रूट अगर हम मल्टीपल रोज पे यही सेम क्वारी रन करना चाहते तो जो आपकी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का स्क्वेयर रूट होके उन वैल्यूज का स्क्वेयर रूट होके और तब आपको यहाँ पे आपका आंसर मिलता तब आपको यहाँ पे आपका आंसर मिलता इन केस ऑफ मल्टीपल रो फंक्शन इन केस ऑफ मल्टीपल रो फंक्शन फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं मल्टीपल रो फंक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम क्या चाहते हैं हमारी ये जो टेबल है इसका हमें क्या चाहिए ये जो हमारे पास टेबल है इसका हमें क्या चाहिए सम चाहिए हमें क्या चाहिए सम चाहिए तो ये जो सम होगा ये आपको हर एक अब ये तो है नहीं अब मल्टीपल रो है यानी कि मल्टीपल वैल्यूज है मल्टीपल वैल्यूज अब इनका सम कहा मिलेगा अब एक एक वैल्यू तो वही बात होगी तो अलग अलग वैल्यूज होने की बजाय आपको क्या मिल जाएगा पूरा टोटल जो हमारा सम है सपोज यहाँ पे ट्वेंटी था यहाँ 17 था तो आपको टोटल सम जो है थर्टी सेवन आउटपुट पे मिल जाने वाला है थर्टी सेवन आउटपुट पे मिल जाने वाला है तो बेसिकली मल्टीपल रो फंक्शन हमारे कौन से होते हैं सिंगल रो फंक्शन कौन से होते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं कि हो सकता है आपको आपसे एग्जाम में बेसिक एमसीक्यू

कुछ इस तरीके से ठीक है तो मल्टीपल रो फंक्शन हमारे कौन से होते हैं बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं एग्रीगेट फंक्शन तो जो भी एग्रीगेट जो हमारे पास टोटल पांच एग्रीगेट फंक्शन है वो हमारे कौन से होते हैं मल्टीपल रो फंक्शन उनमें हम मल्टीपल रो वैल्यूज देते हैं और आउटपुट पे हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है वहीं पे सिंगल रो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंगल रो फंक्शन के अंदर हमारे कौन कौन से फंक्शन होंगे टेक्स्ट फंक्शन मैथ फंक्शन और डेट फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन मैथ फंक्शन और डेट फंक्शन जो फंक्शन अभी हमने यहाँ पे देखे मैथ टेक्स्ट और डेट ये सभी किसके अंदर आएंगे सिंगल रो के अंदर ठीक है और एग्रीगेट फंक्शन किसके अंदर आएगा आपका मल्टीपल रो के अंदर आई होप यू ऑल क्लियर दिस पॉइंट गॉट इट इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज प्लीज पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स ओके नाउ आगे प्रोसीड करते हैं सो so सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा फंक्शन रहेगा सबसे फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा होने वाला है फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं मैथ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हम स्टडी करते हैं मैथ फंक्शन अब हमारे सिलेबस में पहले दिया है तो इसी को पढ़ लेते हैं बेसिक है छोटे छोटे इसके अंदर तीन ही फंक्शन है ज्यादा भी नहीं है तो जल्दी हो जाएगा मैथ फंक्शन ठीक है तो सबसे पहले मैथ फंक्शन को देख लेते हैं देन उसके बाद डेट एज वेल एज आपका टेक्स्ट फंक्शन function, सारे फंक्शन को वन बाय वन कवर करेंगे तो मैथ फंक्शन के अंदर बेसिकली हम कौन कौन से फंक्शन स्टडी करते हैं भाई सबसे पहला आता है हमारे पास मोड फंक्शन कौन सा होता है मोड फंक्शन सेकेंड वन पावर फंक्शन पावर फंक्शन एंड थर्ड होता है हमारे पास राउंड फंक्शन इनमें ना कुछ भी नहीं करना बस इतना इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको इन फंक्शन से और कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपका ऐसा नहीं होने वाला है कि वो आपसे ना बने ऐसा क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली बना सकते हैं क्यों क्योंकि जिन इनके जैसे जैसे नाम है ना वैसे वैसे इनके काम है मोड फंक्शन मोड तो हम सेकेंड थर्ड क्लास से निकालना शुरू कर देते हैं तो मोड फंक्शन यानी कि मोडलेस ऑपरेटर आपको यहाँ पे यूज करना है तो मोड फंक्शन बेसिकली आपको क्या देगा थोड़ा सा मैं इलाबरेट करके भी लिखवा देती हूँ ताकि आपके पास एज ए डेफिनेशन भी रहे तो मोड फंक्शन दिस फंक्शन डिवाइड्स दिस फंक्शन डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर दिस फंक्शन डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर विद सेकंड नंबर विद सेकंड नंबर एंड रिटर्न रिमाइंडर एंड रिटर्न रिमाइंडर मोड फंक्शन के अंदर बेसिकली हमें क्या मिलता है रिमाइंडर ही तो मिलता है तभी तो हम मोड निकालते हैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें फंक्शन क्लियर हो जाए फॉर एग्जांपल सिलेक्ट सिलेक्ट मोड फोरटीन फोर और एसक्यूएल के अंदर हम जब भी अपनी क्वारी जब भी हम किसी

आउटपुट पे आपको क्या मिलने वाला है टू तो इस तरीके से आप मोड फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं क्लियर है क्लियर है फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल तो so आपको क्या मिलेगा टू सेवन जा फोर्टीन जीरो टू सेवन जा फोर्टीन जीरो क्लियर है तो इस तरीके से हम मोड फंक्शन को यूज करते हैं आई ऑल

पावर लेकिन हाँ ध्यान रखना है पावर में कौन सा नंबर आपको पहले मिलेगा कौन सा बाद में मिले? मतलब किस नंबर का आपको पावर करना है वो आपको ध्यान रखना है सिलेक्ट पावर सिलेक्ट पावर फोर कोमा टू इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर है फोर रेस टू पावर सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर रेस टू पावर सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर रेज टू पावर सेकेंड नंबर ठीक है ठीक है इसी को आप P -O -W -E R पूरा पावर भी लिख सकते हैं और P -O W भी लिख सकते हैं P -O W पावर तो भी आपको सेम रिजल्ट देगा तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा फोर रेस टू पावर टू कितना रहेगा आपका सिक्सटीन आउटपुट पे आपको क्या मिलने वाला है सिक्सटीन दिस इज योर पावर फंक्शन क्लियर है चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड है हमारे पास राउंड फंक्शन थर्ड कौन सा है राउंड फंक्शन राउंड पे आ जाते हैं राउंड मीन्स यही सेम बचपन की क्लासेस में पढ़ते आए हैं राउंड फंक्शन निकालते हैं हम राउंड वैल्यू करते हैं राउंड ऑफ टू डिजिट राउंड ऑफ थ्री डिजिट राउंड ऑफ फोर डिजिट इस तरीके से तो ये बेसिकली आपको क्या करेगा दिस फंक्शन राउंड राउंड ऑफ द गिवन नंबर राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू जो आपको नंबर दिया है अप टू दैट नंबर ऑफ राउंड राउंड ऑफ द गिवन नंबर राउंड फंक्शन क्या करेगा जो भी आपको नंबर दिया है उसका राउंड ऑफ करके देगा कहाँ तक करके देगा अप टू गिवन नंबर अप टू गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें थोड़ा सा समझने वाला है कई बार आप एग्जामिनर जो है थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन देता है और बच्चे वहां पे अटक जाते हैं तो इसको किस तरीके से करेंगे For example, पहले एक basic example लेते हैं सपोज हमने यहाँ पे कोई नंबर लिया वन टू थ्री पॉइंट टू थ्री वन ठीक है कितने डिजिट तक हमें राउंड करना है हमें वो भी देना पड़ेगा कि कहा तक हमें डिजिट कॉमा सपोज वन हमने क्या दिया वन तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा यहाँ पे वन टू थ्री पॉइंट टू क्यों क्योंकि हमें फर्स्ट में आपको नंबर देगा सेकंड में आपको डेसिमल प्लेस देगा कि कहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ तक आप हमारी जो फर्स्ट डिजिट थी वहां तक का हमने राउंड करके राउंड ऑफ वैल्यू हमें दे दी है वन टू थ्री पॉइंट टू सपोज यहाँ पे टू देता राउंड टू थ्री वन टू तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता वन टू थ्री पॉइंट टू थ्री कुछ इस तरीके से साथ में सिलेक्ट और अगर कोई टेबल बना रखी है आपने अगर कोई सपोज टेबल बना रखी टेबल से फेच करना है तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट और जो भी आपको फंक्शन अप्लाई करना है वो एंड देन फ्रॉम देर टेबल उस पर्टिकुलर टेबल का नाम जो हमारा सेम फॉर्मेट रहता है उसी तरीके से ठीक है अब अब उसके बाद अब यहां पे जो राउंड ऑफ हमारी वैल्यू होती है जो राउंड फंक्शन होता है इसमें कई बार आपको नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है अब अगर सपोज आपसे नेगेटिव वैल्यू पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे नेगेटिव वैल्यू देके आंसर पूछना चाहे तो सिलेक्ट सिलेक्ट राउंड पहले राउंड राउंड कुछ इस तरीके से था हमारा ठीक है अब इसमें जो हमें राउंड ऑफ करना है वो हमें कहाँ तक करना है इसमें जो हमें राउंड ऑफ करना है वो हमें कहाँ तक करना है भाई माइनस वन तक अब इस माइनस वन का मतलब क्या है का मतलब क्या है नियरेस्ट टेन क्या है नियरेस्ट टेंस हम पढ़ते हैं ना हंड्रेड है जीरो है मतलब नियर जीरो जीरो है मतलब वीरो माइनस वन दिया है माइनस वन और फिर वन टू थ्री दिया है तो सेम एज जितने प्लेसेस दिया है उतना लेकिन अगर माइनस वन दिया है तो नियरेस्ट टेन अब नियरेस्ट टेन किसका नियरेस्ट टेन हमें आउटपुट पे मिलने वाला है इस वाले नंबर का जो हमारा इंटीजर पार्ट है जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसका हमें नियरेस्ट वन जो है हमें आउटपुट पे मिलने वाला है तो अब ये वन टू थ्री वन ट्वेंटी थ्री तो टेन किसके नियरेस्ट टेन है ये क्या ये वन ट्वेंटी के नियरेस्ट है जी हाँ सेम एज अगर मैं लिखू सिलेक्ट राउंड वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू थ्री वन कॉमा माइनस टू यानी कि हम क्या चाहते हैं नियरेस्ट हंड्रेड क्या चाहते हैं नियरेस्ट हंड्रेड वैल्यू हम चाहते हैं तो नियरेस्ट हंड्रेड वैल्यू हमारी कौन सी होगी अब ये वन ट्वेंटी थ्री किस हंड्रेड के नियरेस्ट है या वन हंड्रेड के नियरेस्ट है या टू हंड्रेड के वन हंड्रेड के तो आउटपुट पे क्या मिलेगा वन हंड्रेड सेम एज अगर माइनस थ्री होता तो नियरेस्ट थाउजेंड नियरेस्ट थाउजेंड लेक्ट राउंड टू थ्री वन आउटपुटेंड ठीक है क्यों क्योंकि ये नियरेस्ट वन थाउजेंड है वहीं पे सपोज अगर यहाँ पे नाइन सॉरी uh, क्या वैल्यू होता वन 7, 1, 7, 2, 3. 1, 7, 2, 3. थोड़ा बड़ा नंबर ले 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 हैं. 1, 7, 2, 3 किस थाउजेंड के नियर बाय है तो अब यहाँ पे थाउजेंड की जगह पे आपको आउटपुट पे क्या मिलता है भाई टू थाउजेंड क्योंकि किसके नियरेस्ट थाउजेंड है हमारा टू थाउजेंड के नियरेस्ट है क्लियर है आई होप तीनों फंक्शन आपके क्लियर हो गए होंगे मैथ फंक्शन पावर राउंड और आपका पावर राउंड और मोड़ फंक्शन क्या तीनों फंक्शन क्लियर हैं सभी को आई होप सभी को ये तीनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे अब चलते हैं ने, नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन पे दैट इज टेक्स्ट फंक्शन ठीक है तो नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी थी टेक्स्ट फंक्शन अब टेक्स्ट फंक्शन के अंदर फर्दर हम कौन कौन से फंक्शंस पढ़ते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं फॉर एग्जांपल अपर और यू कैन से दैट यू केस तो यू केस लिखा हो अपर लिखा हो उसको देख के घबराना डरना नहीं है एक ही चीज है दोनों चीजें ठीक है तो फर्स्ट है हमारे पास अपर और यूकेस सेकेंड में एक बार सारे टेक्स्ट फंक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको माइंड में रहे लोअर और एल केस लोअर लिखा हो एल केस लिखा हो दोनों फंक्शन हमारे सेम है थर्ड है हमारे पास सब स्ट्रिंग एस बी आर एस टी आर सेम है जिसको पूरा भी लिख सकते हैं सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और आप इसको मिड भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये है हमारा थर्ड फंक्शन एंड फोर्थ वन है हमारे पास लेंथ लेंथ में आपको टोटल लेंथ काउंट करके देगा और फिफ्थ है आपके पास लेफ्ट राइट पार्ट right. देगा एंड सेवेंथ वन इज आई एन एस टी आर एंड एट वन इज एल ट्रिम ट्रिम फंक्शन भी हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं पाइथन के अंदर एल स्ट्रिम आर ट्रिम एल ट्रिम आर ट्रिम और ट्रिम आई होप इन तीनों में डिफरेंस पता होगा फिर भी एक एक एग्जाम्पल लेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तो ये सारे दस के दस टेक्स फंक्शन को हम यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं ठीक है चलिए फर्स्ट है हमारे पास अपर और यू केस फर्स्ट कौन सा है हमारे पास अपर और यू केस सभी स्टूडेंट्स जो भी क्लास देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जो हमारी एसक्यूएल होती है वो केस सेंसिटिव होती है या केस इनसेंसिटिव होती है अगर मैं एक जगह अपर छोटा लिखूं या इस तरीके से लिखूं तो इसका बात बराबर है या कोई गड़बड़ है ठीक है ये बताना अब मैं कहीं पे आपको अपर केस में लिखते मिलूंगी कहीं पे आपको लोअर केस में लिखते मिलूंगी तो मैं ये आपको बता देती हूं इन दोनों का मतलब क्या है सेम है इन केस ऑफ एस ठीक है चाहे आप अपर को स्मॉल केस लेटर में या अपर केस लेटर में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट आपको सेम मिलने वाली है क्लियर है चलिए तो अपर और यू केस बेसिकली क्या करेगा इट कन्वर्ट द लेटर

चाहे आपका कैपिटल में हो चाहे कुछ स्मॉल में हो कुछ कैपिटल में हो तो आपको आउटपुट पे क्या ही मिलेगा अपर केस लेटर तो इसको सिंटेक्स आपका सेम सिलेक्ट सिलेक्ट यू केस यू केस और यहाँ पे आपको कोई भी एक स्ट्रिंग देनी है कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं सपोज हमने टेक्स्ट दिया पाइथन टेक्स्ट क्या दिया पाइथन ठीक है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा यू केस हमने यूज किया है तो पाइथन का आउटपुट पे आपको क्या मिल जाएगा अपर केस लेटर पाइथन आपको कैसे मिल जाएगी अपर केस लेटर में ठीक है आप इसको यू केस की जगह आप क्या भी लिख सकते थे अपर भी लिख सकते थे इस तरीके से ठीक है अपर भी लिख सकते थे तो भी आपको आउटपुट पे क्या ही मिलता सेम तो भी आपको आउटपुट आपकी क्या ही रहती सेम पाइथन कैपिटल लेटर में ठीक है तो अपर केस लिखो यू अपर लिखो यू केस लिखो जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता सपोज आप किसी टेबल से फेच कर रहे हैं तो सेम है अपर और जो भी आपको कॉलम नेम आपको फेच करना है वो कॉलम नेम फ्रॉम जिस टेबल से आप उसको फेच करना चाहते हैं ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं सेकेंड वन दैट इज एलकेस एल केस और यू कैन से दैट लोअर ये क्या करेगा यह आपके टेक्सट फंक्शन ये आपके पूरे टेक्स्ट लेटर्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा स्मॉल केस लेटर में कन्वर्ट कर देगा इट कन्वर्ट इट कन्वर्ट दैटर्स इन टू स्मॉल केस लेटर तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को स्मॉल केस लेटर में कन्वर्ट कराना है एल केस यूज कर दो या लोअर फंक्शन यूज कर दो वहीं पे अगर आपको किसी टेक्स्ट को अपर केस में कराना है तो आप यू केस या यूज़ कर दो, ठीक है? चलिए दो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी सिलेक्ट एल केस पाइथन आपको आउटपुट पे क्या ही मिलेगा स्मॉल में ठीक है तो इस केस की जगह आप एल -E कॉलन नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर वो एरर देगा आपको और ये सारी चीजें आप लोग रन करके देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको रन करके देखनी है माई एसक्यूएल में ठीक है और फिर किसी में गड़बड़ लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मैम यहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई हमें समझ नहीं आया लेकिन उससे पहले आपको एक बार खुद से रन करके देखना है ठीक है चलिए आप ऑनलाइन कंपाइलर पे भी कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ऑनलाइन कंपाइलर से भी आप रन करके देख सकते हैं क्वारीस को ठीक है थर्ड है हमारे पास एम आई डी मेड और यू कैन से दैट एस यूबी सब स्ट्रिंग पूरा भी लिख सकते हैं और एस यू बी एस टी आर भी लिख सकते ठीक है तो ये सभी की अलग अलग फॉर्मेशन है तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर हम सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं किसी एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तो उसके लिए आप ये तीनों ही यूज करें तो चलेगा ठीक है तो बेसिकली सब स्ट्रिंग क्या करेगा इट गिव्स गिवस इन स्ट्रिंग इट गिव्स फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग तो जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है उस स्ट्रिंग से उस पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग से आपको सब स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करके दे देगा लेकिन वो कैसे देगा उसके लिए आपको सेंटेक्स पता होना चाहिए तो यहाँ पे आप अपना सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन लगाएंगे सपोज एस बी आर एसटीआर सबस्ट्रिंग इसके अंदर हमें आर्गुमेंट क्या-क्या पास करने रहेंगे सबस्ट्रिंग जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो हम स्ट्रिंग पास करेंगे स्ट्रिंग के बाद हम किस पोजीशन से चाहते हैं हम सबस्ट्रिंग करना तो वो पोजीशन देंगे हम और यहाँ पे हम लास्ट में किस पोजीशन से चाहते हैं और कहाँ पे हम एंड करना चाहते हैं कहाँ पे हम एंड करना चाहते हैं तो एंड पार्ट भी देंगे ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है चलिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सिलेक्ट एम आई डी मेड मिड ले लो सब स्ट्रिंग ले लो एस बी आर एस बी सब एस टी आर ले लो जो मर्जी जो तुम्हारा मन करे वो आप मेंशन कर सकते हैं तो सिलेक्ट मेड सपोज हमने यहाँ पे लिखा थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं यूजीसी नेट जी वाई ए एन यूजीसी नेट कैन हम चाहते हैं थर्ड लेटर से स्टार्ट हो और सिक्स्थ लेटर तक जाए और हमेशा यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग करेंगे आप जो वैल्यूज आइडेंटिफाई करना मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे वो आपका हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा वन से होगा कहाँ से होगा वन से होगा जीरो से नहीं होगा जैसे हम एरे में पास करते हैं जीरो से तो जीरो वन टू थ्री ऐसे नहीं चलेगा वन से यानी कि आपने थ्री दिया है तो थर्ड लेटर से आपका स्टार्ट होने वाला है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा अब थर्ड कौन सा है आपका यू जी सी यहाँ पे हम नंबरिंग दे सकते हैं वन टू थ्री बीच में स्पेस नहीं है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो थर्ड से लेके और सिक्स तक की सब स्ट्रिंग आपको प्रिंट करके दे देने वाला है सी नेट ठीक है तो ये सब स्ट्रिंग आपको ऐसे सब स्ट्रिंग आपको मिल जाने वाली है क्लियर है आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एंड इंडेक्स वैल्यू ना दू एंडिंग इंडेक्स वैल्यू ना दूं या फिर मैं चाहती हूं कि मैं यहां पे एक सेकेंड एक सेकेंड इट्स 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 माय मिस्टेक प्लीज प्लीज एक बार हम दोबारा यहां पे आते हैं हम जो यहाँ पे लास्ट में वैल्यू पास करते हैं ये क्या है हमारी स्ट्रिंग है ये है हमारी पोजीशन है मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स

आगे सिक्स लेटर तक आपको वैल्यूज चाहिए तो थर्ड से लेके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा सी एन ई वाई ये आपको आउटपुट पे मिलने वाला है इट्स माई मिस्टेक वहां पे एंड नहीं आएगा क्या आएगा भाई लेंथ आएगा कि कितनी लेंथ की आप सब स्ट्रिंग चाहते हैं किस वैल्यू से आप स्टार्ट करना चाहते हैं किस इंडेक्स वैल्यू से आप सब स्ट्रिंग बनाना शुरू करना चाहते हैं और कितनी लंबी आप सब स्ट्रिंग चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है लेंथ यूज करना है ठीक है आई होप क्लियर दिस पॉइंट नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें सिलेक्ट एस यू बी एस टी आर और सेम लिखती हूं यूजीसी नेट ज्ञान कॉमा थ्री और मैंने यहाँ पे लेंथ नहीं दिया है मैंने क्या किया सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे दिया कि मुझे थर्ड इंडेक्स से लेके चाहिए लेकिन एंडिंग कहाँ पे करना है मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया तो फिर अब हमें क्या मिलेगा एंड ऑफ स्ट्रिंग है सी एन ई नेट जी वाई ए एन तो ये आपको पूरी सबस्ट्रिंग मिल जाने वाली है थर्ड इंडेक्स वैल्यू से और लास्ट इंडेक्स तक का क्लियर है क्लियर है चलिए अब इसी में कई बार अगर आप इंडेक्स जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है अगर आप वो नेगेटिव में दें तो किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये अगर आपने स्टार्टिंग अगर आपने जो स्टार्ट इंडेक्स है वो अगर आपने नेगेटिव दे दिया तो किस तरीके से बिहेव करने वाला है हमारा सब स्ट्रिंग एस यू बी एस टी आर जी सी नेट ज्ञान यहाँ पे हमने क्या दिया माइनस फाइव और टू अब माइनस फाइव और टू का मतलब क्या है माइनस फिफ्थ इंडेक्स अब माइनस इंडेक्स कैसे होता है हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है प्लस इंडेक्सिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग हम बैकवर्ड साइड से शुरू करते हैं तो फिफ्थ इंडेक्स तो आपका फिफ्थ इंडेक्स एंडिंग से वन टू थ्री फोर फाइव ये वाला आ गया फिफ्थ इंडेक्स अब इस फिफ्थ इंडेक्स से लेके नेक्स्ट टू तक आपको जाना है अगर आपने नेगेटिव में दिया है नेगेटिव में दिया है स्टार्टिंग इंडेक्स तो जो आपका लेंथ होगा वो यानी कि नेक्स्ट टू तक आपको चाहिए नेक्स्ट टू तक चाहिए है सेम कंसेप्ट सेम है बस ये मत समझना कि इस टी से लेके इधर की तरफ नहीं इस टी से लेके इस टी से लेके और आपको वापस राइट हैंड साइड में ही मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से टी पे आगे तो टी से आगे दो और चाहिए नहीं टी से जहां पे हमने स्टॉप किया है जहां पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हमें मिल गया है ये वाला हमारा माइनस फिफ्थ इंडेक्स है यहाँ पे हमें मिल गया है तो दोबारा से हमें सर्च जो हमें सब स्ट्रिंग मिला, आ, बनानी है अपनी वो किधर की ही तरफ बनानी है राइट हैंड साइड की तरफ ही ठीक है लेफ्ट टू राइट ही आप ट्रेवर्स करेंगे तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा टी जी आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा टी जी क्लियर है सेम एज अगर यहाँ पे आपको लेंथ ना दी होती कि कितनी लेंथ की आपको चाहिए यूजीसी नेट माइनस फाइव ठीक है अगर इस तरीके से आपकी क्वारी होती तो आपको आउटपुट पे क्या मिलता आपका फिफ्थ इंडेक्स कौन सा था टी टी जी वाई ए एन ये वाला पूरी कंप्लीट सब स्ट्रिंग आपको ये मिलती क्लियर है अगर सपोज आपको जीरो दे दे सिलेक्ट सिलेक्ट मेड और यहाँ पे आपकी कोई भी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे जीरो एंड देन फाइव यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स आपको क्या दे दिया जीरो दे दिया स्टार्टिंग इंडेक्स आपको क्या दे दिया जीरो दे दिया जबकि हम जीरो से स्टार्ट करते नहीं हैं इंडेक्सिंग तो फिर आपको आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको क्या मिलेगा नल बिकॉज हमारी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी वन से स्टार्ट होगी क्लियर है आई होप सब स्ट्रिंग सब एस टी आर ये तीनों हमारे एक ही तरीके के फंक्शन हैं, एक ही तरीके से वर्क करते हैं तो इस फंक्शन का सब स्ट्रिंग किस तरीके से हम किसी कोई हमें एक स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग से हमें सब स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लेंथ फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन क्या है लेंथ फंक्शन लेंथ बेसिकली अभी हमने लेंथ का यूज भी किया है लेंथ बेसिकली क्या करता है आपको लेंथ आइडेंटिफाई करके देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर तो इट रिटर्न इट रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उनको आपको काउंट करके दे देने वाला है फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट लेंथ यहाँ पे हमने लिखा पाइथन, क्या लिखा पाइथन तो इसकी आपकी लेंथ कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा सिक्स ठीक है तो लेंथ फंक्शन बहुत बेसिक इजी फंक्शन है इसको आप सिंपल लेंथ यूज करके और जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको काउंट करके दे देने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट फंक्शन अब लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड का पार्ट उसको चाहिए राइट राइट साइड का चाहिए इन मतलब बीच का चाहिए यानी कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है जो भी आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड के जो आपके लेफ्ट साइड की जो स्ट्रिंग है उसके n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको रिटर्न करके देने वाला वो n आप खुद से डिफाइन करने वाले हैं कि कितनी आपको चाहिए कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए तो लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है इट रिटर्न इट रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर्स इट रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए उतने आपको रिटर्न करके दे देने वाला है सेम एज राइट में राइट right साइड के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको रिटर्न दे लेफ्ट का राइट right को देखते हैं सिलेक्ट लेफ्ट टू ठीक है तो यानी कि क्या करेगा लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड के दो लेफ्ट साइड के दो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको आउटपुट पे दे देने वाला है दैट इज आई एन सॉरी पी वाई पाइथन में से लेफ्ट टू कैरेक्टर्स आपको दे देने वाला है राइट में क्या देगा आई एन ई ओ एन अगर हम यहीं पे राइट की बात करें सिलेक्ट राइट टू राइट साइड के पाइथन राइट साइड के दो लेटर्स में आपको क्या मिलेगा ओ एन क्या मिलेगा ओ एन क्लियर है लेफ्ट राइट क्लियर है तो लेफ्ट इसी तरीके से बिहेव करेगा सेम एज आपका राइट right फंक्शन भी इसी तरीके से बिहेव करेगा बस उधर लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ करेक्टर्स को आपको आउटपुट पे दे रहा है इधर राइट right साइड के नंबर ऑफ करेक्टर्स को आपको आउटपुट पे देने वाला है ठीक है इन चिंग के अंदर बेसिकली जो आपकी फर्स्ट आपकी आई होगी उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की उस अंदर उसको देगा इन स्ट्रिंग को देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इन स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग मतलब उसके बीच में कहीं पे तो इन स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है इट रिटर्न इट रिटर्न दोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस सपोज कोई करेक्टर आपका दो बार आया है तो जो फर्स्ट टाइम जो आया होगा उसकी जो पोजीशन है उसको आपको आउटपुट पे देगा अगर वो कहीं बाद में सेकंड थर्ड टाइम कहीं पे भी आया है तो उसकी आपको कुछ भी आउटपुट पे नहीं मिलने वाला है तो जो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस होगी उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग की उसी को आपको आउटपुट पे देने वाला है इट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग इन गिवन स्ट्रिंग जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है उसमें से उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग की जो फर्स्ट अक्रेंस होगी वो आपको मिलने वाली है और अगर वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको जीरो इट रिटर्न्स जीरो इट रिटर्न्स जीरो इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग इफ सब तो फिर आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा अभी जीरो मिलेगा फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट इन स्ट्रिंग सपोज हमने कोई एक लेटर दिया एल ई डबल टी ई आर लेटर और हमें यहाँ पे क्या चाहिए सब स्ट्रिंग क्या दिया हमने सपोज सब स्ट्रिंग दिया ई e, टी सब स्ट्रिंग क्या दिया हमने ई e, टी तो ये ई e, टी की जो फर्स्ट अक्रेंस होगी फर्स्ट अक्रेंस ई e, टी की कहाँ है यहाँ पे तो इसकी पोजीशन आपको देगा अब पोजीशन में अब ई e से स्टार्ट हुआ है तो ई e की पोजीशन क्या है टू है की पोजीशन क्या है टू है तो यानी कि आपको आउटपुट पे क्या देगा टू देगा फर्स्ट अक्रेंस कहाँ से शुरू हुआ टू से ठीक है फॉर एग्जाम्पल सेम होता लेटर और उसमें आपको ई सब स्ट्रिंग क्या था ई सिलेक्ट इन स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग क्या है ई e. तो ई e आपका यहां पे भी आया है यहां पे भी आया है. तो जो फर्स्ट अक्रेंस है यानी कि टू तो आपको आउटपुट पे मिलने वाला है क्लियर है इनस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर है ठीक है अगर प्रेजेंट ही नहीं है सपोज मैं बोलूं यहाँ पे पी जे के कुछ भी तो उसके प्लेस पे क्या देगा आपको जीरो उसके प्लेस पे आपको आउटपुट पे क्या देगा जीरो ठीक है आई होप इन स्ट्रिंग आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एल ट्रिम और आर ट्रिम ट्रिमिंग हमने इसमें पाइथन में भी पढ़ा था एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी लेते हैं ट्रिम मतलब ट्रिम कर देना उस पर्टिकुलर पार्ट part को अगर एल ट्रिम है मीन्स लेफ्ट पार्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं और राइट आर ट्रिम है यानी कि हम ट्रेलिंग पार्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं और अगर सिर्फ ट्रिम है तो लेफ्ट और राइट right दोनों को ही हम रिमूव करना चाहते हैं ठीक है तो पहले एल ट्रिम देख लेते हैं एल ट्रिम एल ट्रिम बेसिकली इट रिटर्न्स द It returns the even string after after removing after removing the leading white spaces character leading. इट स्पेस करेक्टर्स यानी कि जो हमारे लेफ्ट साइड में व्हाइट स्पेसिस हैं अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर उसको क्या कर देगा ट्रिम कर देगा उसको क्या कर देगा ट्रिम कर देगा फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट एल ट्रिम सपोज हमारी स्ट्रिंग uh, जो है कुछ इस तरीके से है तो आपको आउटपुट पे क्या देगा इसका ये जो वाइड स्पेस था इसको ट्रिम कर देगा इसको क्या कर देगा ट्रिम कर देगा और आपको आउटपुट पे क्या दे देगा जो आपकी बाकी बची हुई स्ट्रिंग है ठीक है इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट एल ट्रिम अब मैं क्या चाहती हूँ इस एल ट्रिम एल ट्रिम करना चाहती हूँ लेकिन उसमें जो मेरी स्ट्रिंग है मुझे वो ना मिले मुझे क्या मिले उसके लेंथ मिले पहले मैं क्या चाहती हूँ सिलेक्ट लेंथ एल ट्रिम पहले मैं एल ट्रिम करना चाहती हूँ अब एल ट्रिम हमारा सपोज हमारी स्ट्रिंग थी ये हमने क्या किया पहले इस पे एल ट्रिम अप्लाई किया तो ये तीन वाइट स्पेस जो थे ये क्या हो गए हो गई इनको क्या कर दिया ट्रिम कर दिया व्हाइट स्पेसिस को तो यहाँ तक की आपको आउटपुट क्या मिली पाइथन और उसके बाद बाहर क्या लगा हुआ है लेंथ फंक्शन तो लेंथ यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा सिक्स आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा सिक्स ठीक है इस तरीके से हम एल ट्रिम का यूज कर सकते हैं सेम एज हम आर ट्रिम का भी यूज कर सकते हैं और अगर इसमें सपोज राइट हैंड साइड में भी आपका कुछ वाइट स्पेस होता तो वो वाइट स्पेस आपका क्या हो जाता वाइट स्पेस आपका साथ में यहाँ पे बना रहता अगर सिर्फ आपने एल ट्रिम को यूज किया है तो जब तक आप आर ट्रिम यूज नहीं करेंगे तब तक राइट right साइड का जो वाइट स्पेस है ट्रेलिंग पार्ट जो है वो आपका रिमूव नहीं होने वाला है ठीक है चलिए अब एक एग्जाम्पल आर ट्रिम का ले लेते हैं आर ट्रिम मतलब ब्राइट right साइड के पार्ट को हम ट्रिम करना चाहते हैं इट रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग इट गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द Trailing white space, trailing white space characters. ठीक okay, है, for example, select, R trim, right. So, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड का जो आपका वाइट स्पेसिस है लीडिंग वाइट स्पेसिस हैं ये आपके एज इट इज रहेंगे देन उसके बाद आपको पाइथन मिलेगा और फिर ये वाला जो पार्ट है जो राइट right ट्रेलिंग जो वाइट स्पेसिस थे वो आपके क्या हो गए हैं ट्रिम हो गए हैं ठीक है तो ये आपको आउटपुट पे मिल जाने वाला है सेम अगर आपका स्टार्टिंग में कोई वाइट स्पेस नहीं होता तो सिर्फ आपको करेक्टर्स मिलता सेलेक्ट आर ट्रिम इसमें भी आप लेंथ फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते अगर आप लेंथ काउंट करना चाहते हैं कि कितनी लेंथ है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की तो आपको लेंथ मिल जाने वाली तो अब यहाँ पे ये यह आपका राइट right पार्ट जो है ये ट्रिम हो चुका है और आपको जो आपकी स्ट्रिंग थी आफ्टर आफ्टर ट्रेलिंग द वाइट स्पेसेस आपकी जो बाकी बची हुई स्ट्रिंग है वो आपको एज एन आउटपुट पे मिल जाने वाली है क्लियर है नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास ट्रिम नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है हमारे पास ट्रिम उसके बाद डेट फंक्शन बचेगा फिर डेट को करेंगे ट्रिम। ट्रिम अब trim क्या करेगा? बेसिकली इट रिमूव लेफ्ट एज वेल एज राइट वाइट स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग इट रिमूव लेफ्ट एज वेल एज राइट From string, जो भी आपको स्ट्रिंग दी है उससे लेफ्ट और राइट right साइड के दोनों व्हाइट स्पेसिस को ट्रिम कर देने वाला है ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिम कुछ इस तरीके क्या करेगा लेफ्ट को भी और राइट right को भी दोनों को ट्रिम कर देगा और जो बीच का बचा हुआ आपकी स्ट्रिंग होगी वो आपको एज एन आउटपुट पे मिल जाने वाली है क्लियर है आप इसमें कोई एक ऐसा भी दे सकते हैं कोई एक सब स्ट्रिंग भी दे सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ट्रिम कराना है फॉर एग्जाम्पल एल टी देते हैं यहाँ पे हमने दिया लेटर तो ये हमारी स्ट्रिंग थी लेटर इसमें से हम क्या ट्रिम करना चाहते हैं ई e. तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा एल सॉरी 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 एल नहीं हमें कुछ ऐसा लेटर लेना होगा एक मिनट हमें कुछ ऐसा लेटर लेना होगा जो ट्रिम हो सके बिकॉज लेफ्ट और राइट का होगा ना मिडल का नहीं होगा भाई लेफ्ट और राइट का होगा तो हम कुछ ऐसा लेटर लेते हैं जो हमारा स्टार्टिंग में आए थोड़ी ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जिससे आपको समझ आए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया ओ ओ ये हमारी है सब स्ट्रिंग जिसको हम ट्रिम करना चाहते हैं और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या है ओ ओ O, P, y, o, o. ठीक है 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 तो तो अब ये लेफ्ट साइड से शुरू किया ओ ओ सेम अकरेंस मिली इसको रिमूव कर दिया देन आगे बढ़ा अब एक तो मिल गया दूसरा नहीं मिला तो यानी कि इसको रिमूव नहीं करेगा तो ये आपको आउटपुट पे मिलेगा फर्स्ट ओ उसके बाद पी वाई। अब 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 पे मिल गया यानी कि अब कहां जाएगा राइट में जाएगा अब कहां जाएगा राइट में में का जो जो था था उसमें जो आपका ट्रिम होना था, वो हो चुका है और जैसे ही आपको ऐसा लेटर मिला जो ट्रिम नहीं हुआ तो फिर राइट साइड पे जाएगा ओ ओ जैसे ही डबल ओ मिला तो उसको ट्रिम कर दिया और फिर उसके बाद आपका वाई था वो आपका पहले ही ऑलरेडी हो चुका है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा ओ पी वाई ठीक है कुछ इस तरीके से आई होप ये तीनों फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे टेक्स्ट फंक्शन मैथ फंक्शन और डेट फंक्शन सॉरी अभी डेट फंक्शन बचा है डेट फंक्शन को भी जल्दी से करते हैं डेट के अंदर कुछ नहीं है बस डेट मंथ ईयर यही सब है तो अभी आते हैं डेट फंक्शन पे अभी हमने दो फंक्शन पढ़े हैं मैथ फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट है हमारे पास डेट फंक्शन अपडेट फंक्शन के अंदर भी फर्दर हम अलग अलग फंक्शंस पढ़ते हैं फर्स्ट वन इज नाउ सेकंड वन यू आर कर डेट थर्ड वन डेट फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ नेम Sixth day, seventh day name, and eighth year. ठीक है तो इन सभी फंक्शंस को वन बाय वन स्टडी करते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं तो सबसे पहला है आपके पास नाउ फर्स्ट क्या है आपके पास नाउ फंक्शन नाउ फंक्शन बेसिकली क्या करता है दिस फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम दिस फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम जो हमारी एक्चुअल डेट और टाइम है उसको आपको रिटर्न करके देने वाला है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा लिखाट नाउ नाउ तो अभी आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा करंट डेट एंड टाइम और डेट एंड टाइम आपका किस फॉर्मेट में रहने वाला है वो फॉर्मेट आपका ये वाला रहेगा डी डी और फिर आर एच एच एम एम एस एस ठीक है सपोज करंट में जो आपका टाइम है करंट में जो आपकी डेट है सपोज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है फिफ्थ आपका मंथ है सिक्स आपकी डेट है और टाइम अभी सपोज हमारा टाइम हुआ है फोर फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव कुछ इस तरीके से तो ये आपको आउटपुट पे मिल जाने वाला है ठीक है जैसे कई बार आप वेबसाइट से जब आपका एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उसमें उस जो सबसे ऊपर डेट और टाइम आपका करंट डेट और टाइम आपके एडमिट कार्ड पे ऊपर बिल्कुल यहाँ पे ऊपर एक कोने में या बीच में जहाँ पे भी आपको करंट डेट और टाइम आपको मिलता है कई बार देखने ठीक है वो कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हैं नाव फंक्शन ठीक है उसके बाद आता है कर कर डेट नेक्स्ट क्या है कर डेट कर डेट में क्या डिफरेंस है कर डेट लिखो या करंट डेट लिखो बात बराबर है कर डेट और करंट डेट दोनों फंक्शन का मतलब एक ही है ये बेसिकली आपको सिर्फ करंट डेट रिटर्न करता है तो नाउ और कर डेट में डिफरेंस पता चला नाउ करंट डेट और टाइम दोनों चीज देगा और कर डेट सिर्फ और सिर्फ डेट देने वाला है करंट डेट देने वाला है तो फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर डेट तो कर डेट पे आपको क्या मिलेगा टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फिफ्थ ऑफ मई सिक्स डेट ठीक है सिक्स ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये आपको कर डेट पे मिलेगा क्लियर है सेम जो हमारा डेट होता है जो डेट है वो बेसिकली रिटर्न करके देगा डेट देगा किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से सपोज हमने नाउ फंक्शन को पहले अप्लाई किया हुआ है सपोज हमने नाउ फंक्शन को पहले अप्लाई किया हुआ है डेट फंक्शन किस तरीके से यूज होगा सिलेक्ट डेट सपोज आपने अंदर क्या अप्लाई किया है नाउ नाउ फंक्शन तो नाउ आपको क्या देगा डेट और टाइम दोनों देगा डेट और टाइम दोनों देगा उसमें से डेट को निकाल के डेट आपको दे देने वाला है इस तरीके से हमारा डेट फंक्शन यूज होता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मंथ जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है मंथ अब इसमें आपको मंथ बता देगा इट बेसिकली रिटर्न मंथ फ्रॉम द गिवन डेट फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट मंथ और हमने डेट डाल दी है 2023, फिफ्थ मंथ है हमारा, फिफ्थ डेट है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा कौन सा मंथ है फिफ्थ मंथ है तो आपको क्या मिलेगा फाइव आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा फाइव क्यों क्योंकि फिफ्थ हमारा मंथ है ठीक है वहीं पे अगर आपको मंथ नेम चाहिए मंथ नेम यानी कि मंथ का नेम आपको आइडेंट लिख के दे देगा पहले आपको सिर्फ नंबर में दे रहा है आउटपुट किस में दे रहा है नंबर में और वहीं पे अगर आप मंथ का नेम चाहते हैं तो मंथ नेम फंक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा सिलेक्ट मंथ नेम और फिर यहाँ पे आपको डेट देनी पड़ेगी डेट नहीं दे रहे हैं तो फिर फर्दर सेम जो अभी हमने डिस्कस किया था डेट में आप नाउ फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं तो वहां से भी वो करंट डेट को फेच कर लेगा अब यहाँ पे आपको क्या दे देगा आउटपुट पे मई कौन सा मंथ चला हुआ है हमारा मई मंथ नेम आ गया मंथ नेम के बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है डे डे अगर हमें डे फंक्शन अप्लाई करना है तो डे फंक्शन कैसे यूज होगा हमें क्या देगा आउटपुट पे डे हमें डे आइडेंटिफाई करके दे इट बेसिकली डे फ्रॉम द गिवन डेट सिलेक्ट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फिफ्थ डेट है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा भाई ठीक है सेम एज डे नेम चाहिए अगर आपको डे नेम सिलेक्ट यहाँ पे पहले मैं डे नेम फंक्शन कर देती हूँ कि हम डे नेम फंक्शन का एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं सिलेक्ट डे नेम गिवन जो भी आपकी गिवन डेट है उस गिवन डेट से उसका डे दे आइडेंटिफाई करके देगा फाइव सिक्स आज कौन सा डे है सैटरडे आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा सैटरडे मिलेगा क्लियर है सेम लास्ट फंक्शन बचा है हमारे पास ईयर 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 सेम ईयर आइडेंटिफाई करके देने वाला है सिलेक्ट सिलेक्ट ईयर ये टॉपिक इतना इजी था मुझे था स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे बट आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई मैम आप ही कराओ तो इसीलिए मुझे लगा कि एक क्लास में मैं करा देती हूं So, मैंने इसको आपको करा दिया ठीक है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आई होप यहाँ तक के तीनों फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्रीगेट फंक्शन मैंने पहले करा रखे हैं लेकिन फिर भी एक एक एग्जाम्पल एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे बता देने वाली हूँ ठीक है वैसे तो हमें पता है एग्रीगेट फंक्शन जो जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है हमने एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन किए थे एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से थे पांच थे मिन मैक्स सम एवरेज और काउंट ये पांच है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन अब मिन क्या है मिन क्या है बेसिकली मिन क्या देगा आपको मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करके देगा यानी कि आप क्या लिखेंगे सिलेक्ट फर्दर फिर वहां पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी पूरा आपकी जो क्वारी रहती है उस क्वारी के अंदर आप हम बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन को बिकॉज ये हमारे मल्टी लाइन फंक्शन होते हैं मल्टी रो फंक्शन होते हैं तो इसको हम मल्टीपल रोज के अकॉर्डिंग हम इनको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या चाहिए मिन फंक्शन बेसिकली क्या वैल्यू क्या आइडेंटिफाई करके देगा आपको मिनिमम वैल्यू सपोज आपकी कोई एक टेबल है सपोज आपके पास कोई एक टेबल है उस टेबल में नेम बर और मार्क्स तो मिनिमम मार्क्स किसके आए हैं वो यहाँ पे फेच करके देगा मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं सम किसका सम कितना हुआ है सभी का एवरेज कितना हुआ है काउंट कितनी नंबर ऑफ रोज है तो ये सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शन जो हैं हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं अब बात आती है काउंट और काउंट स्टार के अंदर मिनिमम में आपको क्या आइडेंटिफाई करके देगा मिनिमम वैल्यू जितनी भी वैल्यूज आपकी टेबल में है उनमें से जो भी आपने डेटा सेट गिवन किया है उस पर्टिकुलर क्वारी के लिए उसमें से मिनिमम वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करके दे देने वाला है ठीक है आपको उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम बताना रहेगा कि कौन से कॉलम को आप सिलेक्ट कर रहे हैं किस कॉलम से आपको वो मिनिमम वैल्यू चाहिए सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल देन जो भी कंडीशन है वो और उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए सेम एज मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर आपको सम चाहिए तो आप सम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सम अगर आपको चाहिए एवरेज अगर आपको चाहिए तो एवरेज में सेम आपको किस कॉलम की एवरेज चाहिए और काउंट में काउंट में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है टोटल नंबर ऑफ रोज अब टोटल नंबर ऑफ रोज आपका काउंट आइडेंटिफाई करके देता है एक्सक्लूडिंग नल एक्सक्लूडिंग नल जो हमारा काउंट फंक्शन होता है वो बेसिकली नल वैल्यू के साथ ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है तो नल वैल्यू को एक्सक्लूड करेगा उससे अलग जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज है उसको काउंट करके देगा वहीं पे अगर हम बात करें काउंट स्टार की काउंट स्टार की ये भी आपने पढ़ा होगा तो ये भी टोटल नंबर ऑफ रोज आपको आइडेंटिफाई करके देता है बट इंक्लूडिंग नल इंक्लूडिंग नल इसमें जितने अगर नल वैल्यूज भी कोई गिवन है उसमें तो उनको भी वो साथ में ले लेगा ठीक है क्लियर है आई होप यहां तक क्लियर होगा उसके बाद आपका ग्रुप बाय क्लोज हैविंग क्लोज और आपका ऑर्डर बाय क्लोज ये तीन क्लोज और हैं ग्रुप बाय ग्रुप बाय हैविंग और ऑर्डर तो ये जो बेसिकली हमारे पास ये तीन अलग अलग क्लोज हैं, इनकी किस तरीके से वर्किंग रहती है हमारी ग्रुप बाय की हैविंग की और ऑर्डर बाई की तो ग्रुप बाय क्या करता है बेसिकली जो भी आपकी टेबल है उस टेबल में किस पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग आप ग्रुप बनाना चाहते हैं सपोज आपने एक आपकी एक टेबल है कोई स्टूडेंट टेबल जिसमें आपका नेम नंबर और आपके मार्क्स

एग्रीगेट फंक्शन का हमें साथ में यूज करना हो सपोज अगर हमें एवरेज निकालना है सपोज हमें एवरेज निकालना है तो हम हैविंग हैविंग क्लोज का यूज करेंगे हैविंग के साथ हम अपना कोई भी एग्रीगेट फंक्शन सम यूज करेंगे ठीक है जहां पे वेयर उस अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वहां पे हम हैविंग क्लोज का यूज करते हैं वहीं पे ऑर्डर बाय की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर बाय सपोज आपकी जो टेबल है उसको आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म कराना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर बाय क्लोज यूज करना है वहीं पे डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय के बाद आप, आपको डी ई एस सी कमांड लिखना है देन उसके अकॉर्डिंग आपका वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा ठीक है वैसे तो ये तीनों एग्रीगेट फंक्शन हमने पहले पढ़े हुए हैं एसक्यूएल के अंदर मैं इनके सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ या फिर एक क्वारी भी लिख दूंगी छोटी सी ताकि आप आ, सम याद कर पाए डीबीएमएस की क्लास में जब हमने SQL किया था वहां पे हमने इन तीनों के एग्जाम्पल भी लेके किया हुआ है तो ग्रुप बाय बेसिकली क्या करता है ये आपका ग्रुप बना देता है ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज ट हैव सेम वैल्यू दैव सेम वैल्यू आपको आउटपुट पे रो मिलेगी उसमें अकॉर्डिंग टू जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप ग्रुप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू वहां पे मिलने वाली है। हैविंग क्लोज बेसिकली वॉज एडीड टू एसक्ल बिकॉज के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा पाते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है यूज करना पड़ता है और ऑर्डर बाई क्लोज बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेन्ज करके दे देता है अकॉर्डिंग टू करना है तो सिर्फ ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करेंगे और अगर डिसेंडिंग में करना है तो उसके लिए डीई एस सी की वर्ड का आप यूज करने वाले हैं ठीक है और एग्जाम्पल आपकी कोई एक टेबल है उसमें से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट मार्क्स के बेसिस पे आप उसका ग्रुप बनाना चाहते हैं मैं यहाँ पे ग्रुप बाय का एग्जाम्पल ले रही हूँ ग्रुप क्लोज का ठीक है ग्रुप मैं है पे एग्जाम्पल ले रही हूँ सिलेक्ट मार्क्स आप मार्क्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं मार्क्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं और कैसे मार्क्स चाहते हैं आप एवरेज मार्क्स चाहते हैं ठीक है एवरेज मार्क्स चाहते हैं जो भी आपका कॉलम है मार्क्स कॉलम है सपोज हम अपनी टेबल में दो वैल्यू दो एंट्रीज चाहते सिलेक्ट जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है उसके बेसिस पे आप उसके मार्क्स का एवरेज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं फ्रॉम टेबल सपोज हमारी टेबल नेम है स्टूडेंट स्टूडेंट ग्रुप बाय ग्रुप बाय जेंडर डिंग करना चाहते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या रहेगा जेंडर के अकॉर्डिंग हम ग्रुप करना चाहते हैं तो हमारी आउटपुट पे आपको क्या मिलने वाला है आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा एक जेंडर का कॉलम मिलेगा यानी कि जेंडर में सपोज आपने मेल डाला फीमेल डाला और उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आए हैं उनका आपको एवरेज मिल जाने वाला है उनका आपको एवरेज मिल जाने वाला है ठीक है इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं सपोज सिर्फ सिर्फ हम मार्क्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वही सेम सिलेक्ट मार्क्स मार्क्स के बेसिस पे अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल ग्रुप बाय मार्क्स तो आपकी जो टेबल हो इसमें सपोज कौन कौन सी एंट्रीज आप चाहते हैं कौन कौन सी एंट्रीज अगर आप चाहते हैं सपोज मार्क्स और साथ में नेम 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 ऑफ स्टूडेंट तो आ जाएगा और साथ में उन सभी स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे जो आपका मार्क्स के बेसिस पे आपने ग्रुप किया है तो जितने मार्क्स आपके हैं उसके बेसिस पे आपका जो ग्रुपिंग है वो आपका हो जाएगा ठीक है सेम अगर मैं बात करूं अगर हमें कंडीशन लगानी है सपोज हम सिलेक्ट मार्क्स चाहते हैं और साथ में हम कंडीशन लगाना चाहते हैं लाइक हैविंग क्लोज यूज क्या हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव कि जिसके ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव में भाई हमें सिर्फ वो वाले मार्क्स दिखे हमने ग्रुप बाय कर दिया है मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय मार्क्स सिलेक्ट मार्क्स सिलेक्ट काउंट हम एक काउंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे काउंट का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यानी कि सिर्फ हम काउंट करना चाहते हैं कितनी टोटल के हमें नंबर मिल जाए रोलंबर मिल जाए साथ में उनके मार्क्स मिल जाए या फिर नेम आप चाह सकते हैं नेम मिल जाए मार्क्स मिल जाए फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट टेबल से हम उन सभी स्टूडेंट्स की काउंटिंग चाहते हैं जिनके मार्क्स कितने मार्क्स के बेसिस पे हम ग्रुप बनाए सबसे पहले हम मार्क्स के बेसिस पे ग्रुप बनाएंगे देन वो मार्क्स कैसे होने चाहिए ग्रेटर देन कैसे होने चाहिए ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव ठीक है और अगर सिर्फ आप ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय क्लोज सिलेक्ट सपोज पूरी टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स सपोज किसी के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ऑर्डर बाय मार्क्स क्या है तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा सपोज फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इस तरीके से और वहीं पे अगर आप डीई एस सी मार्क्स के बाद क्या लगा देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर तो फिर हाइएस्ट मार्क्स ट्वेंटी 15, 10, कुछ इस तरीके से ठीक है तो फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मार्क्स मिल जाने वाले हैं आई होप डाइजिंग एसक्ल सारे के सारे पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे फर्दर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आज की क्लास में हमने डेटा बेस्ड क्वारी यूजिंग एसक्ल सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है एक ही क्लास में डेटा बेस यूजिंग एसक्यूएल इन सभी को इन सभी अलग अलग फंक्शन को आप लोग जो है एग्जाम्पल के बेसिस पे कि आपको वो चीजें माइंड में रहे तो उसको आप एज ए प्रैक्टिकल अपने सिस्टम पे कर रन करके भी देख सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन उसके साथ ही हमने और ऑर्डर बाय ये तीनों क्लोज भी किए हैं और ये अलग अलग फंक्शंस किए तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे एंड फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इसी तरीके से तो फर्दर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपेशन करते रहे एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा तो टाइम को वेस्ट ना करें अब आपकी डेट भी जल्दी आ चुकी है हियरिंग की तो जल्दी ही आपका एग्जाम हो जाने वाला है तो तब तक आप लोग अपनी प्रिपेशन करते रहें ठीक है अभी के लिए फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करते रहेंगे जो भी अपडेशन रहती है जो भी न्यू कोई नोटिफिकेशन आती है कोई न्यूज आती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देख लेंगे ठीक है सो so, बाय टेक केयर सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास